अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हीना हेल्थ। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर वीडियो लेकर आए हैं। आज की इस वीडियो में हम हार्मोनल इम्बैलेंस के बारे में बात करने वाले हैं। अक्सर महिलाओं में हार्मोनल इम्बैलेंस होने की वजह से गर्भधारण नहीं होता, ओवुलेशन नहीं होता है और कई तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। जब आप इनफर्टिलिटी फेस करते हैं तो उसके पीछे बहुत सारे रीजंस होते हैं। महिलाओं में पीसीओडी, पीसीओएस, इरेगुलर पीरियड, थायराइड का लेवल बढ़ जाना, बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं जिस वजह से महिलाएं गर्भधारण नहीं कर पाती। तो महिलाओं की जो बॉडी होती है उसमें बहुत ज़्यादा हार्मोन्स होते हैं। अगर इसमें से एक भी हार्मोन डिसबैलेंस हो जाता है तो महिलाओं के लिए गर्भधारण करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगी बिना एक रुपये खर्च किए कैसे आप अपने हार्मोन्स को बैलेंस कर सकते हैं और नेचुरल तरीके से प्रेगनेंसी कंसीव कर सकते हैं। फ्रेंड, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ में जो कारगर उपाय शेयर करने वाली हूँ ये आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है और ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल भी होने वाला है ताकि आप लोग भी प्रेगनेंसी कंसीव कर सके। तो चलिए फ्रेंड, आज का ये इंटरेस्टिंग वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले ही आप लोग वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं आपको मूनलाइट चार्ज वाटर के बारे में जानकारी देने वाली हूँ। आप में से बहुत सारे लोगों को शायद इसकी जानकारी भी होगी और बहुत सारे लोगों को नहीं भी होगी। फ्रेंड देखिए, जो महिलाएं होती हैं उनका पीरियड का साइकिल लेंथ 28 से 29 डेज़ का होता है। उसी तरीके से जो मून होता है, जो चंद्रमा होता है, ये भी 28 से 29 डेज़ में पूरा दिखता है। ठीक है, यानी कि 28 से 29 डेज़ का मून का भी साइकिल लेंथ होता है। तो काफ़ी हद तक मून को महिलाओं से रिलेट किया जाता है। और फ्रेंड एक चीज़ ये भी है कि महिलाएँ तभी ही प्रेग्नेंट होती है जब रात में पूरा अंधेरा होता है, चंद्रमा पूरी तरीके से डार्क हो जाता है। तो फ्रेंड काफ़ी हद तक मून को महिलाओं से कंपेयर भी किया जाता है और ये एक दूसरे से को रिलेट भी करती हैं। इसलिए फ्रेंड चंद्रमा का और महिलाओं का बहुत ही गहरा रिश्ता है। अब इससे आप अपने हार्मोन्स को कैसे बैलेंस कर सकते हैं? फ्रेंड आप जो है मूनलाइट चार्ज वाटर का इस्तेमाल करके अपने हार्मोन्स को भी बैलेंस कर सकते हैं और प्रेगनेंसी भी कंसीव कर सकते हैं। अक्सर मुझे महिलाएं बोलती हैं कि मेरे अंदर सब कुछ नॉर्मल है, मेरी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल है, लेकिन फ्रेंड कहीं ना कहीं आपके अंदर कुछ ना कुछ तो कमी होती है जिसकी वजह से आपको गर्भधारण नहीं होता। कोई ना कोई ऐसा हार्मोन तो डिसबैलेंस होगा जिसकी वजह से आपकी बॉडी प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं कर रही होगी और आपको गर्भधारण नहीं हो रहा होगा। महिलाओं में पीसीओडी, पीसीओएस, हार्मोनल इम्बैलेंस, इरेगुलर पीरियड, थायराइड लेवल का हाई होना, बहुत सारे रीज़न होते हैं इनफर्टिलिटी के पीछे। तो आप अगर इसको हील करना चाहते हैं तो आप लोग मूनलाइट चार्ज वाटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप क्या कीजिए फ्रेंड, आप एक कांच की बोतल ले लीजिए और उसको एक ऐसी जगह पे रखिए, अगर आपके घर में छत है तो छत पे आप जो है उसका ढक्कन लगा के उसको पैक करके अच्छी तरीके से, कांच की बोतल ही होनी चाहिए फ्रेंड। अगर कांच की बोतल अवेलेबल नहीं है तो मिट्टी का बर्तन भी आप ले सकते हैं, लेकिन मेक श्योर ये करना कि आप उसको अच्छी तरीके से पैक करके यानी बांध के उसको रखें। ठीक है फ्रेंड, तो ऐसी जगह पे आप रखना जहाँ पे जो पानी है उस पानी को मूनलाइट की रोशनी मिले और वो चार्ज हो सके। फ्रेंड आपको क्या करना है, मॉर्निंग में वो पानी को आपको लेना है और एम्प्टी स्टमक सबसे पहले उसी पानी को आपको पीना है। ये पानी पीने से आपके हार्मोन्स भी बैलेंस होंगे। अगर आपका पीसीओडी, पीसीओएस कारण हार्मोनल डिसबैलेंस हो गया है, वेट ज़्यादा इंक्रीज हो गया है, तो ये पानी पीने के बाद में आप प्राणायाम कीजिए और फिर अपना ब्रेकफास्ट कीजिए। ये पानी फ्रेंड बहुत ही अच्छा होता है आपके हार्मोन्स को बैलेंस करने में। चाहे आप कितनी भी मेडिसिन ले लें, कितने भी इंजेक्शन्स ले लें, एक बार ये थेरेपी को ज़रूर आजमा के देखिए फ्रेंड, आपके हार्मोन्स नेचुरल तरीके से बैलेंस होना शुरू हो जाएंगे। जो भी महिलाएं आईयूआई या आईवीएफ ट्रीटमेंट करवा रही हैं तो उसके साथ में भी आप ये थेरेपी कर सकते हैं। नेचुरली आप गर्भ धारण करने के लिए ट्राई कर रहे हैं तभी भी ये थेरेपी कर सकते हैं, या फिर आप नॉर्मली डॉक्टर के पास कोई ट्रीटमेंट करा रहे हैं इनफर्टिलिटी का तभी भी आप ये थेरेपी कर सकते हैं। ये थेरेपी अमेजिंग है फ्रेंड इनफर्टिलिटी को क्योर करने के लिए, क्योंकि महिलाओं में हार्मोन्स ही होते हैं जो गर्भ धारण करने के लिए सक्षम पाए जाते हैं। अगर इन हार्मोन में से कोई भी एक हार्मोन डिसबैलेंस होता है तो महिलाओं में प्रोलैक्टिन लेवल हाई हो जाता है, थायराइड इंक्रीज हो जाता है, वेट इंक्रीज हो जाता है, पीरियड असंतुलित हो जाते हैं, पीसीओडी, पीसीओएस, बहुत सारे रीज़न होते हैं जिसकी वजह से आप डॉक्टर्स के चक्कर लगाते हैं और पैसा बर्बाद करते हैं। तो फ्रेंड आप अपने घर बैठे अपना इलाज कीजिए, इस मूनलाइट चार्ज वाटर का इस्तेमाल कीजिए, आपके हार्मोन्स भी बैलेंस होंगे और आपको गर्भ धारण करने में भी हेल्प मिलेगी। आई होप फ्रेंड आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको दिल से पसंद आई होगी। अब बहुत सारी महिलाओं को ये भी कन्फ्यूजन होगा कि ये मूनलाइट चार्ज वाटर कब से कब तक पीना है। तो फ्रेंड आपको पूरा महीना इस्तेमाल करना है, पीरियड के पहले दिन से लेके आखिरी दिन तक, जब तक आपको गर्भधारण नहीं हो जाता आप इस पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इवन इसको प्रेग्नेंट लेडीज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि ये नॉर्मल वाटर है, इसमें कोई भी तरह के हार्मफुल प्रिजर्वेटिव नहीं है, कोई मेडिसिन नहीं है, ये नॉर्मल वाटर है। ये एक मून चार्ज वाटर है फ्रेंड, आपको ये दिखने में साधारण लगेगा लेकिन इसके अंदर जो बेनिफिट है वो बहुत ही लाभदायक होंगे। तो एक बार इसको आजमा के जरूर देख। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले फ्रेंड। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।